हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एसर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या करें, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट एज एसर्शन एंड स्टेटमेंट सेकंड एज रीजन एंड हैज फॉलोइंग फोर चॉइसेस ए बी सी एंड डी, ओनली वन ऑफ विच इज करेक्ट आंसर, मार्क द करेक्ट चॉइस। चलिए, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन का हमें टिक करना है जब स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। तब बी कब चूज करना होगा, स्टेटमेंट वन ट्रू हो, स्टेटमेंट टू भी ट्रू हो, स्टेटमेंट टू इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट तब। और सी कब चूज करना है, जब स्टेटमेंट वन ट्रू हो, स्टेटमेंट टू फॉल्स हो। डी कब चूज करना है आपको, स्टेटमेंट वन जो फॉल्स होगा, स्टेटमेंट टू जो ट्रू होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 से देखते हैं। देखिए दिया हुआ है स्टेटमेंट फर्स्ट में, डायगोनल ऑफ ए पैरेलोग्राम डिवाइड इट इनटू फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। पैरेलोग्राम देखिए क्या कर रहा है कि पैरेलोग्राम के अंदर जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स जैसे यहाँ पे डायगोनल ए सी और बी डी, ये क्या करते हैं इसे, तो इसे क्या करते हैं, फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ये फोर ट्रायंगल्स में डिवाइड है इक्वल एरिया। स्टेटमेंट सेकंड क्या कर रहा है कि अ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। देखिए दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होता है उसे वो क्या करता है, टू इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसी का यूज करके ये होता है। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं कि डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना जी। तो यहां से देखो, जब OA OC के इक्वल है, यानी कि OB यहां पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इस ट्रायंगल ABC के लिए, तो इसका एरिया के इक्वल, उसी तरह इसका एरिया, तो ये मीडियन को ही लेकर इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाए, तो ये स्टेटमेंट टू जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जा रहा है, इसलिए ए नंबर आंसर हो जाएगा, इसका ए नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, ABCD जो पैरेलोग्राम एंड O इज अ पॉइंट ऑन इन द इंटीरियर, If the area of triangle AOB 4 cm square and area of triangle BOC 6 cm square, then area of parallelogram ABCD is 20 cm square. ठीक है, चलिए पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर ABCD एक parallelogram बना लेते हैं, ठीक है, ये आपका parallelogram हो जाएगा ABCD, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है O कहीं इंटीरियर पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे O पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से ट्रायंगल AOB का एरिया कह रहा है 4 cm², अच्छा, और यहां पर BOC का 6 cm², ये 4 cm², ये 6 cm², और एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ABCD क्या है। तो देखो, अगर आप यहां से ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमें यहाँ पे 4 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, इन दोनों का एरिया मिला के 10 cm² है, इन दोनों का भी वही 10 cm² ही होगा दोनों को ऐड करके, यानी कि टोटल 20 cm² हो जा रहा है। बिल्कुल ये सही है, ट्रू है। फिर आप देखिए इसका क्या कर रहा है स्टेटमेंट सेकंड में, कि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेलोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल। देखिए क्या कर रहा है, डायगोनल ऑफ पैरेलोग्राम, तो पैरेलोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये हम लोग जानते हैं। वही चीज यहाँ पे भी नहीं यूज हुआ है, देखो ये और ये मिला के 10 हुआ है और ये भी 10 हो जा रहा है, क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल AC जो हो रहा है इसे दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, तो ये भी ट्रू है, तो दोनों ट्रू है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ से हम लोग 25 का ए नंबर कह सकते हैं। चलते नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए क्या दिया है, इन फिगर 14.33 ABCD एंड EFGD आर टू पैरेलोग्राम। देख लीजिए ABCD EFGD ये दो पैरेलोग्राम है। फिर आगे क्या कर रहा है, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट कौन है, जी। फिर आगे क्या कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ पैरेलोग्राम EFGH की, तो EFGD की तो इसका एरिया इस पैरेलोग्राम ABCD के एरिया का हाफ होगा। ऐसा क्यों होगा, तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर दिया है जी मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि इसके साइड का ये हाफ है, तो दोनों सेम पैरेलल के बीच में है,
लेकिन एक का बेस दूसरे के बेस से हाफ है, तो इसलिए उसका एरिया भी हाफ हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डीपीसी की, ये वाला डीपीसी की, तो ये इसका और एबीसीडी पैरेलोग्राम का दोनों का बेस सेम और एक ही पैर के बीच में, इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेलोग्राम एबीसीडी के एरिया का हाफ हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी तो इक्वल हो जाएगा ना, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। फिर स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। देखिए मीडियन जो होता है ट्रायंगल का उसे दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, ये भी स्टेटमेंट टू है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा है जी, यहाँ पे तो सेम बेस और सेम पैरेलल वाले कंडीशन को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ट्रू है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, पीक्यूआरएस इज अ पैरेलोग्राम हुज एरिया इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ए इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल क्यूब, एरिया ऑफ ट्रायंगल एएसआर इक्वल टू 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग पैरेलोग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना जी। चलिए मैं यहाँ पे पैरेलोग्राम एक बना लेता हूँ, एक पैरेलोग्राम बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं यहाँ पर PQRS, P Q R और ये S, पैरोग्राम हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका एरिया दे 180 सेंटीमीटर, A इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल QS, QS डायगोनल पे एक कहीं पॉइंट है, एक मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ASR, ASR ये वाला जो होगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नहीं ये अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जब इस पूरे का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS जो होगा ना, QRS उसका एरिया 90 होगा, हाफ हो जाएगा पूरे का, हाफ इस QRS का होगा, ERS का तो ये कभी नहीं हो सकता है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये पूरा 90 होगा ना जी, ये तो 90 नहीं हो सकता है, चलिए फॉल्स है। स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेलोग्राम डिवाइड इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ सेम एरिया, हाँ ये बिल्कुल ये ट्रू है, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो ये डी नंबर हो जाएगा ना आंसर, ठीक है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, लेट एबीसीडी ट्रेपेजियम सच दैट एबी पैरेलल टू डीसी, इफ द डायगोनल एसी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट ओ देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी और बीओसी इक्वल होगा। चलिए पहले मैं यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना जी। चलिए हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं, ठीक है, हाँ इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी डी, इसके डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं ए सी और बी डी का, जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को कहाँ पर, ऊपर ऊपर, क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों इक्वल होते हैं, कैसे, हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना जी। हम लोग ए बी डी और ए बी सी इन दोनों का एरिया इक्वल इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में, और फिर इसमें दो बोथ साइड में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ए ओ बी तो हमारा ए ओ डी और बी ओ सी ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये तो ट्रू है, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। अच्छा सेकंड स्टेप क्या कर रहा है कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, इसी कांसेप्ट का यूज करके दिखा रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो इसलिए ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है, ए नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कह रहा था, डायगोनल ऑफ ए पैरेलोग्राम डिवाइड्स इनटू फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, हाँ पैरेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं उसे फोर ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं इक्वल एरिया में। अच्छा फिर आगे क्या कह रहा है स्टेटमेंट सेकंड में, डायगोनल ऑफ ए पैरेलोग्राम डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, अगर एक डायगोनल को खींचते हैं पैरेलोग्राम के तो वो उसे क्या करता है दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये यहाँ कह रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टेटमेंट ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, लेकिन ये वाला जो पहला वाला जो प्रूफ होता है ये हम लोग किसको लेके चलते हैं, मीडियन को लेके, याद है आपको, ये वैसे करते हैं दूसरे को, इसलिए इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल, क्योंकि वो भी मीडियन होगा, एक बार वो सी मीडियन हो जाएगा, ये ए बी सी बी सी डी सबके लिए मीडियन होंगे ना जी, इसके कारण तो मीडियन से ट्रू करते हैं और ये हम लोग डायगोनल से दिखाते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी कर देंगे, ठीक है। उस नंबर 30 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कर रहा है, इन फिगर 14.34 एबीसीडी इज अ ट्रापीजियम, डीई परपेंडिकुलर ए बी, डीई परपेंडिकुलर ए बी, बी एफ परपेंडिकुलर ए डी, ए बी इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ देखिए कितना 16 सेंटीमीटर, डीई इक्वल टू में दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर,
बी एफ इक्वल टू में 10 सेंटीमीटर और ए डी इक्वल टू में 12 सेंटीमीटर। तो आप देखो अगर एरिया की बात करेंगे स्पेलोग्राम की तो ए बी इंटू डी करके देखो तो क्या होता है, बेस इंटू 16 और इंटू में ए, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा 128 आ जाएगा ना जी, 128, ठीक है ना जी, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना जी। चलिए और अगर हम लोग यहाँ पे एरिया के लिए अगर ए डी इंटू में बी एफ करके देखे तो ये हो जाएगा 12 और इंटू में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 120। तो ये कभी पॉसिबल है एक ही पैरोग्राम के एरिया दो अलग अलग कैसे आ जाएगा, नहीं ना आ सकता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट दिख रहा है। एरिया ऑफ पैरोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, ये ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट देखिए, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर मेजर 25 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 6 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए देखिए एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं, पैरेलल साइड एक 25 है, दूसरा आपका 15 है और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू में हाइट होता है, यही ना होता है जी। चलिए इसको काट देंगे यहाँ पे 3 टाइम, इन दोनों को ऐड करेंगे 40 और इंटू में 3 सेंटीमीटर यानी कि 120 आ जा रहा है, ये बिल्कुल ट्रू है। फिर अगला क्या करें, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 8 इक्वल टू 8√3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3/4 साइड का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना जी। यहाँ पर आ जाएगा √3/4 यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे हम निकाल देंगे 16 बार, तो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ना कि ये फॉल्स है पहला ट्रू है, यानी कि इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। तो एक काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही, ये पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च कर लें www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस अपना गो लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।